पैसे लेकर वर्दी पहनाकर बोला, जाओ अब तुम आईपीएस हो। बिहार में ऐसा ठगा गया 19 साल का मिथिलेश, पिस्टल और बाइक का भी राज खुल गया। बता दें, जमुई में गिरफ्तार फर्जी आईपीएस मिथिलेश ने नया खुलासा किया है कि उसने कहा कि मनोज सिंह नामक शख्स ने 2 लाख रुपए लेकर उसके शरीर का नाप लिया और एक आईपीएस की वर्दी बनवा दी, आईपीएस का बैच दिया, एक नकली पिस्टल थमा दी और उसके बाद कहा कि जाओ अब तुम आईपीएस बन चुके हो। तो ये मामला बिहार के जमुई का है, जब एक 19 साल का लड़का जिसका नाम मिथिलेश है वो गिरफ्तार किया जाता है नकली आईपीएस बनने के जुर्म में। लेकिन उसने तो कहा कि मैंने तो 2 लाख रुपए दिए हैं और मुझे कहा गया था कि अब मैं आईपीएस बन चुका हूँ। मिथिलेश ने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और अगले दिन आईपीएस के कपड़े पहनकर दिन भर शहर में घूमता हुआ नजर आया। फर्जी आईपीएस के रूप में गिरफ्तार युवक मिथिलेश कुमार ने बताया कि खेरा इलाके में मनोज सिंह नाम के एक शख्स ने उसे पुलिस में नौकरी लगाने का ऑफर दिया था और उसी के लिए उसने 2,30,000 रुपए की मांग करी और मिथिलेश ने अपने मामा से वो 2 लाख रुपए लेकर मनोज सिंह को दिए ताकि उसकी नौकरी पुलिस में लग जाए। और इसके बाद क्या था, मनोज सिंह ने उसके शरीर का नाप लिया, दूसरे दिन बुलाकर उसे आईपीएस की वर्दी दे दी, आईपीएस का बैच दिया और एक नकली पिस्टल देकर कहा कि अब तुम आईपीएस बन चुके हो। मिथिलेश भी वर्दी पहनकर खुशी खुशी अपने घर गया और मामा से और माँ से आशीर्वाद लेकर वो खुशी खुशी आईपीएस बन गया। लेकिन उसी के बाद क्या था, जब मिथिलेश सिकंदरा चौक पर रुका तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मामले में सिकंदरा थाना में यहां पर सब इंस्पेक्टर ने बताया कि मनोज सिंह और मिथिलेश कुमार आरोपी है और उनके खिलाफ फर्जी आईपीएस बनने के दौरान ये बात सामने पता चलती है कि वो खेरा के चौक पर वर्दी और लाइटर पिस्तौल और एक बैग देते हुए कहा कि मेरी आईपीएस में नौकरी लग गई है और अब मैं पुलिस थाने में काम करने के लिए पहुंचा हूं। जिसे देखकर सभी पुलिस वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है कि आखिरकार 19 साल का लड़का कैसे अकेला आईपीएस बनकर पुलिस थाने पहुंच जाता है। अब बेचारा मासूम मिथिलेश तो 2 लाख रुपए देकर आईपीएस बन गया था, लेकिन पुलिस वालों को ये पता चल गया था कि ये मासूम है और इसी वजह से गलती से यहाँ पर इसे धोखाधड़ी करके आईपीएस बना दिया गया था और इसी के चलते कानून की धारा 35(3) के तहत लाभ देते हुए बॉन्ड भरवा कर इन्हें छोड़ दिया जाता है। पुलिस ने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता पूर्वक जांच हो रही है और जांच के दौरान जिन लोगों को भी इस मामले में सम्मिलित पाया जाएगा उन सभी को आरोपी बनाकर उन पर जरूर से कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, बिहार के एक और इस तरीके की ठगी के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा।